हाय, वेलकम टू बॉलीवुड राउंडअप विद नैना ओबेरॉय एट टैग टीवी। आज मैं आपके लिए एक बारी फिर से लाई हूँ तड़कती और भड़कती खबरें। सबसे पहले बात करते हैं अपकमिंग मूवीज के बारे में। इस दिवाली पर रिलीज हो रही है तापसी और भूमि की एक नई मूवी शार्प शूटर्स के बारे में। ये एक बायोग्राफिकल मूवी है और इस मूवी में हम इन दोनों को एक डिफरेंट किरदार में देखने को मिलेंगे। और इस मूवी का नाम है सांड की आग, जो कि रिलीज हो रही है 25 अक्टूबर को। हाउसफुल 4 इज रिलीजिंग ऑन 25th ऑफ अक्टूबर। सांड की आग और ये दोनों सेम डेट पर रिलीज हो रहे हैं। लेट्स सी इन दोनों के बीच में कैसा कंपटीशन रहता है और कैसा रिस्पॉन्स आता है इन दोनों मूवीज का। हाउसफुल 4 के लिए तो लोग काफी ज्यादा वेट कर रहे हैं, बट आई एम वेरी श्योर सांड की आग भी काफी अच्छा काम करेगी। डिफरेंट एक्टिंग करते हैं आप, मतलब अक्षय जी जब बॉबी देओल ये ऐसे तीनों महारानी आपके सामने रहती, तब आप ऐसे एक्टिंग निकाल लेते हैं या कुछ वर्कशॉप करना पड़ता है आपको? नहीं, एक्चुअली क्या था कि जब इन्होंने किरदार लिखा है, जब इतने होनहार लेखक इतनी अच्छी तरह लिखते तो एक्टर्स को बहुत कम करना पड़ता है, क्योंकि लाइनें इतनी अच्छी होती है। एंड देन दे गाइड यू कि एग्जैक्टली उसको कैसे करना पड़ता है। एंड सो ऑल थैंक्स टू the writing and the director that has helped me do this. आपने कुछ टाइम पहले एक बहुत बड़ा ब्रेक लिया था और उसके बारे में आपने खुल के बात भी की है, तो जब आपने काम रिज्यूम कर लिया है वापस एंड आपको काफ़ी तारीफें भी मिल रही हैं, आपने पर्सनली क्या चेंजेस लाए हैं अपने आप में एज एन एक्टर आफ्टर यू रिज्यूम? लाइक हम कह सकते हैं बॉबी देओल 2.0, व्हाट चेंजेस हैव यू मेड? क्या है कि मेरे साथ जो बैठा मेरा दोस्त अच्छे भैया, इसने जिंदगी में इतनी मेहनत की है और मैं हमेशा सोचता था कि ये इसीलिए इतना सक्सेसफुल है, और बस मैंने अंदर बस एक बात को पैदा किया है कि मेहनत करो ज़्यादा और फिर लोग देखेंगे और काम मिलेगा। तो मैं बस यही कहता कि आप सबको, यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ, पॉजिटिव सोचो, फिर काम मिलता रहेगा। और इसीलिए मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे इस पॉजिटिव एटीट्यूड को देख के सब ने मुझे इस फिल्म के लिए चूज़ किया, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। बट एंड ऑफ द डे, as Akshay said, luck really factors, but you have to do that 30% or 40% of hard work. If you don't do that, that luck doesn't matter then. जिन लोगों को सस्पेंस और थ्रिलर वाली मूवीज पसंद है, उन लोगों के लिए मूवी आ रही है बाईपास रोड, जो कि रिलीज हो रही है 1st of November को। दो ही हफ्तों में ये मूवी 15 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुकी है और नील नितिन मुकेश की मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। इसके पोस्टर से ये थोड़ा लास्ट सपर वाला पेंटिंग का पोर्ट्रेयल लग रहा है। आयुष्मान खुराना, जो लास्ट ही मंथ एक सुपर हिट ड्रीम गर्ल कर चुके हैं, उनकी एक और मूवी रिलीज होने को आ रही है 7th of November को, बला। आयुष्मान खुराना के साथ साथ हमें इस मूवी में भूमि और यामी गौतम भी देखने को मिलेगी। आयुष्मान खुराना का डेब्यू हुआ था यामी गौतम के साथ विकी डोनर में और वो मूवी काफी ज्यादा हिट रही थी। भूमि का डेब्यू हुआ था दम लगा के हाइशा से आयुष्मान खुराना के साथ और वो वाली मूवी भी काफी ज्यादा हिट थी।
इन तीनों का ट्रियो काफी ज्यादा अच्छा होगा एंड काफी ज्यादा कॉमेडी देखने को मिलेगी हमें इस मूवी के अंदर। इस मूवी में आयुष्मान खुराना के बाल झड़ जाते हैं और काफी ज्यादा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है ये पहली मूवीज के हिसाब से। नवंबर को रिलीज हो रही है उजड़ा चमन जो कि सनी सिंह की मूवी है। सनी सिंह का डेब्यू प्यार का पंचनामा से हुआ था जो कि काफी ज्यादा हिट थी और वो हमें फिर देखने को मिले सोनू की टीटू की स्वीटी में जो काफी ज्यादा ब्लॉकबस्टर रही थी और हम आज भी वो मूवी देख के काफी ज्यादा हंसते हैं। इनकी ये वाली मूवी कॉमेडी मूवी है और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और फनी लग रहा है इसका ट्रेलर। इसके ट्रेलर पर 22 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। इस मूवी के अंदर सनी सिंह के बाल झड़ जाते हैं और फिर जब वो लेडीज से मिलने का ट्राई करता है तो वो उन्हें अंकल बुलाती है। उजड़ा चमन का कॉन्सेप्ट बला से काफी ज्यादा सिमिलर है, सिमिलर क्या ऑलमोस्ट सेम ही है। इन दोनों मूवीज के बीच में काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन रहेगा, लेट्स सी हू विंस। नवंबर को रिलीज हो रही है मोतीचूर चकनाचूर। नवाजुद्दीन सिद्दीकी इस मूवी में एक कॉमेडी किरदार निभा रहे हैं। ये मूवी काफी ज्यादा अच्छी लग रही है अपने ट्रेलर के साथ एंड ये मूवी आई एम वेरी श्योर हम लोगों को काफी ज्यादा हंसाएगी और एक ब्लॉकबस्टर रहेगी। वॉर जो कि रिलीज हुई थी 2nd of October को अभी तक थिएटर्स पर काफी ज्यादा अच्छे से बिजनेस कर रही है। वॉर 250 करोड़ क्रॉस कर चुकी है, इट्स अ न्यू स्ट्रीक एंड अ न्यू रिकॉर्ड। ये सेकेंड ग्रॉसिंग फिल्म रह चुकी है 2019 की एंड वी आर होपिंग दैट इट विल सून क्रॉस 300+। The Sky is Pink रिलीज हो चुकी है। प्रियंका चोपड़ा ने 3 साल बाद एक हिंदी मूवी करी है एंड एवरीबडी वाज सो एक्साइटेड टू वॉच दिस मूवी। सब बहुत ज़्यादा खुश थे कि प्रियंका चोपड़ा भारत में आएगी बट ड्यू टू सम रीजंस वो भारत में नहीं आ पाई एंड काफ़ी लोगों ने ये भी बोला कि भारत इसलिए फ्लॉप हुई थी क्योंकि प्रियंका चोपड़ा नहीं थी मूवी के अंदर। सो एवरीबडी एक्सपेक्टेड द Sky is Pink एक बहुत ज़्यादा हिट मूवी रहेगी बट द सैड न्यूज इज के Sky is Pink उतना अच्छा काम नहीं कर पाई जितना लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। उसने अभी तक 3 दिनों में 10.7 करोड़ का काम किया है विच इज नॉट टू मच। वी ऑल एक्सपेक्टेड इट टू बी अ हिट। मूवी की स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है, मूवी में कैरेक्टर्स ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, बहुत ही इमोशनल हार्ट वार्मिंग एंड टचिंग स्टोरी है बट इट्स क्वाइट बोरिंग।
मूवी काफी ज्यादा लंबी है एंड लोग सेकेंड हाफ प्रिडिक्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। लेट्स मूव टू बिग बॉस अपडेट्स। पहला एलिमिनेशन हो चुका है बिग बॉस का। फर्स्ट डे दिलजीत, जो कि काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट पर्सनालिटी थी, वो काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में आई नहीं क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं, वो एलिमिनेट हो चुकी हैं। एंड सेकेंड डे कोयना मित्रा, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी, जैसे ही नॉमिनेशन होती थी वो जाके लोगों से बातें करती थी ताकि उनको कोई नॉमिनेट ना करे, लेकिन वो एलिमिनेट हो चुकी है इस गेम से एंड लोगों को वो काफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं है। अभी तक के स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स हैं शहनाज, पारस, रश्मि, शेफाली एंड सिद्धार्थ शुक्ला। इन लोगों का गेम ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है और इंडिया इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है। वीकेंड का वार में इस बारी सलमान खान के साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी आए थे अपनी मूवी को प्रमोट करने के लिए, जिसका नाम है मोतीचूर चकनाचूर। बजरंगी भाईजान के बाद सलमान खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने सेकेंड टाइम स्टेज शेयर किया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी घर के अंदर भी गए थे और उन्होंने कंटेस्टेंट्स के साथ बातें भी करी। सलमान खान, जो कि अपनी फैंस की काफी ज्यादा कदर और रिस्पेक्ट करते हैं, उन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल में से फैंस से मिलने के लिए टाइम निकाला। सलमान खान, जो कि काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं बिग बॉस के शूट में भी और दबंग 3 के शूट में भी,
शाहरुख खान्स कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन सिनेमा हैज बीन रिमार्केबल. बॉलीवुड के किंग, बॉलीवुड के बादशाह, पूरी दुनिया उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है. इंडिया ही नहीं लेकिन फॉरेन के लोग भी उनको काफ़ी ज़्यादा चाहते हैं. शाहरुख खान का इंटरव्यू लेंगे डेविड लेटरमैन अपने नेक्स्ट शो पे. माय गेस्ट नीड्स नो इंट्रोडक्शन. शाहरुख खान इज सुपर एक्साइटेड टू शेयर हिज स्टोरी विद डेविड लेटरमैन एंड ही विल बी सीन ऑन दिस शो ऑन 25th अक्टूबर ऑन नेटफ्लिक्स. उसका प्रोमो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा है जिसमें डेविड लेटरमैन और शाहरुख खान कुक कर रहे हैं. शाहरुख खान इज कुकिंग फॉर डेव, ऐसा उन्होंने एप्रन पहना हुआ है एंड कुकिंग करते करते डेविड लेटरमैन की उंगली भी कट जाती है. ही जोक्स अबाउट इट. इट्स लुकिंग अमेजिंग एंड आई एम वेरी मच ईगर टू वॉच दिस शो. आई एम श्योर इट्स गोना बी अ सुपर हिट. अमिताभ बच्चन जी, हु इज़ रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट एंड द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा, ही टर्न्ड 77 ऑन 11th ऑफ अक्टूबर एंड उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हिट्स एंड ब्लॉकबस्टर दिया है इंडियन सिनेमा को. जंजीर, शोले, कभी खुशी कभी गम, दीवार, ऐसी हिट मूवीज़ के बाद अमिताभ बच्चन जी लोगों के दिलों में समा चुके हैं और कौन बनेगा करोड़पति के वो इतने सारे सीजन्स कर चुके हैं. जब वो स्टेज पर आते हैं तो एक अलग ही ऑरा और एक अलग ही चार्म आ जाती है ऑडियंस के दिलों में. Thank you for watching the show and I'll see you next week.